हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, वीक में एक या दो बार हिंदी की क्लास ज़रूर होती है, तो बिल्कुल आज हिंदी की क्लास का टर्न है। हिंदी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समास। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट में कि जी, आपने जो पहले हिंदी पढ़ा रखी है या जो अब पढ़ा रहे हो, इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, बस वो पेंटेब से पढ़ाई थी और बाई फेस पढ़ा रहा हूँ उस टाइम से, और अब तक एक साल का एक्सपीरियंस मेरी पढ़ाई के साथ, मतलब मेरी टीचिंग के साथ और जुड़ चुका है हिंदी का, तो कुछ बेटर ही कराऊँगा। ये तो बात आप सोच ही सकते हो कि भाई चीज़ें का और पता चली है, क्या एग्ज़ाम्स में आ रहा है, तो वो सब कुछ मैं अपडेट करके आपके लिए लेके आता हूँ। साथ में दूसरी बात जो आप लोग नहीं कर रहे हो अभी ज़्यादातर लोग, कि शाम को एक टेस्ट ज़रूर आता है। जैसे संधि मैंने पढ़ाया है तो संधि के टेस्ट अब तक दिए हैं, वर्णमाला मैंने पढ़ाया है तो वर्णमाला के टेस्ट दिए हैं, ठीक है। वो 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट होता है मात्र, और 5 मिनट में आप वो टेस्ट दे सकते हो। तो जो चीज़ आपको पढ़ाई गई हैं वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है कि पढ़ा रहा हूँ आपके सामने छूट जाती हैं, तो उन छुटी हुई चीज़ों पर दोबारा तो वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो मैं उनको उन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, वर्णमाला में कुछ चीज़ें मैंने उसमें कवर कराई हैं, जैसे क्या, जैसे आप देखते हैं जीव के भाग के अनुसार कौन सा बोला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अंत्य भाग से कौन सा बोला जाएगा, मध्य भाग से कौन सा, अग्रभाग, पश्च भाग, वो सब मैंने आपको कवर कराए हैं, ठीक है। और एक होता है संवृत स्वर या विवृत स्वर, वो सब क्वेश्चंस वाली वीडियो में कवर कराए हैं जो मैं वर्णमाला में छोड़ गया था शायद, ठीक है। संधि में कोई छोटा नहीं है खास, संधि के आप क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे, संधि विच्छेद भी देख रहे होंगे, सब कुछ आपको टोटल मिल रहा होगा। नया शब्द भी आ जाता है, आप एकदम ढूंढ लेते हैं कि कौन सी संधि होगी, ठीक है। वो ट्रिक्स आपके लिए आपके पास हैं, आप मास्टर हो संधि के, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारा टॉपिक है, ये तीसरा ही टॉपिक है अभी जो हिंदी में दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। यूपीएसआई, स्पेशली यूपीएसआई के लिए क्लास चल रही है, पर जो यूपी टेट या सी टेट वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक एक क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलना है, ठीक है। चलिए, तो समास 3 वीडियो 3rd वीडियो, इसके बाद आज ही के दिन मुझे पढ़ाना है उपसर्ग भी, पर वो वीडियो दूसरा मिलेगा, तो यानी आज 2 वीडियो शूट करनी है हिंदी के लिए। तो परिभाषा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है समास का, बहुत छोटा टॉपिक है, देखेंगे आप सब कुछ कवर है। एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, तो मैं हट जाता हूँ साइड में, ठीक है, उम्मीदें ले लिया होगा। चलिए, तो दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है, ये परिभाषा है समास की। हमने संधि में भी पढ़ी थी, वो भी दो शब्दों का मेल है, वो भी मेल है, पर वो शब्दों का नहीं है। वो किसका मेल है? दो वर्णों का, या दो ध्वनियों का, या दो निकटतम वर्णों का। ऐसे यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, दो निकटतम वर्णों का मेल। अब बच्चे पढ़ के जाते हैं दो वर्णों का मेल, वहाँ आ गया निकटतम वर्णों का मेल। अरे बात एक ही है, उसमें आप अपना आंसर मत चेंज करना, ठीक है। तो परिभाषा से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए परिभाषा बहुत जरूरी होती है। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसमें समास तो होता ही है, पर उस शब्द को क्या बोलते हैं? उस शब्द को बोलते हैं सामासिक शब्द। दो शब्दों का मेल, क्या किन्हीं भी दो शब्दों का मेल कर देंगे हम? मान लो पंखा चल रहा है और इस बोर्ड का मेल कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जिन दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल हो और तीसरा एक नया अर्थ वाला शब्द वो बना दें, ठीक है। पंखा बोर्ड मिला दिया, पंख बोर्ड बन जाएगा, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे दो शब्दों का मेल ढूंढना होता है जिस तीसरे शब्द जो बन जाए उसका भी कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कुछ भी आप बना दो, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं, परिभाषा हमें क्लियर, सामासिक शब्द हमें क्लियर। उस सामासिक शब्द, कोई भी सामासिक शब्द है, जैसे गगन चुंबी, मैं लिखूंगा गगन चुंबी, तो ये एक सामासिक शब्द है, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो गगन चुंबी, तो ये सामासिक शब्द हो गया। इसमें दो पद हो गए, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, मतलब दो पद मिले, दो शब्द मिले, उन्हीं को हम पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं। पहले का पद पूर्व और बाद का पद उत्तर, ठीक है। तो बाद वाले को उत्तर बोलते हैं, याद रखेगा उत्तर पद क्या होता है, क्लियर है बात।
तो हर सामासिक शब्द में दो पद जरूर होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। अब बात आती है समास विग्रह। ये बेसिक चीज है जो कोई शायद ही मुश्किल करवा पाए आपको, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। आप देखेंगे भी क्वेश्चन, मैं भी खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, जो शाम में 10 क्वेश्चंस का वीडियो दूंगा उनमें से क्वेश्चंस रखूंगा कि किस तरह से बनेंगे। तो अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, क्वेश्चंस आप वहां से कवर करेंगे। तो समास विग्रह, दो शब्दों के मेल को तोड़ना। यहां मेल किया हमने, दो शब्दों से एक शब्द बनाया, उसको सामासिक शब्द बोला। अब बोलता है कि सामासिक शब्द को तोड़िए, इसका समास विग्रह करिए। समास विग्रह की खास बात होती है उसमें का की के को जरूर लगेगा, उसमें लगाना ही पड़ता है, ठीक है, और भी लग जाता है, या भी लग जाता है, लेकिन का की के और या तथा ये सब इसमें हटाना पड़ता है सामासिक शब्द बनाने के लिए। जैसे इसमें कोई का की के नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम समास विग्रह करेंगे और इसको तोड़ने लगे तो इसका अर्थ बताओ क्या है, तो अपने आप ही वो समास विग्रह है जो आप इसका अर्थ बताओगे। क्या है? गगन को चूमने वाला। अगर कोई आपसे बोलेगा गगन चुंबी का समास विग्रह करो, तो आपको उसका अर्थ बताना होता है, मतलब उसका तोड़ के अर्थ बता दो, गगन को चूमने वाला। अब देखिए ऐसा आ जाता है समास विग्रह, माता पिता। अब ये भी समासिक शब्द है, योजक चिन्ह से जो बनता है, ये बताऊंगा कौन सा समास है, ठीक है, आगे बात करेंगे। अब इसको तोड़ो, अब कोई ये तो कहेगा नहीं माता को पिता होने वाला, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं इसको, इसको क्या बोलेगा, माता और पिता, और से ही बना सकते हैं भाई, दो अलग अलग चीजें हैं, तो माता और पिता, दिन रात ऐसे लिख देते हैं हम, एक समास बनेगा, वो भी यही समास है दिन रात, तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे, समास विग्रह क्या करेंगे, दिन और रात, ठीक है, तो और से भी लगाते हैं हम समास विग्रह, ठीक, चलिए अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं समास विग्रह। तो विग्रह आपको समझ आ गया, समास विग्रह आप कर पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस और करेंगे, बुक से क्वेश्चंस देखना वैसे जरूरत नहीं है, मैं इतने करवा दूंगा, 10-10 की वीडियो आपको 4-5 वीडियो दे दूंगा, 85 क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो इससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह के पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ज्यादातर एग्जाम्स के ही होंगे उनमें, ठीक। चलिए अब समास के भेदों पे आते हैं हम लोग। समास के भेद, समास कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है समास 6 प्रकार का होता है, मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग अब पढ़ने लगे हैं, एक ने के साथ लग जाता है इया, इया लग जाता है, नहीं इसको निया समास पढ़ते हैं, निया समास आया ना, इया इया, तो निया समास इसको बोलते हैं। अब ये कौन सा समास है, ये तो आपने लिखा ही नहीं, ये दरअसल में एक तत्पुरुष का ही एक पार्ट है। तत्पुरुष को मैं बताऊंगा, वो 6 प्रकार का होता है मुख्यतः, तत्पुरुष में भी पार्ट है, और किसी समास में पार्ट है क्या, नहीं, सिर्फ तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, उसको भी बताऊंगा, उस तत्पुरुष का ही एक भाग है निया समास, ठीक है, इस निया का भी क्लियर कर लेंगे, ये कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, तो आपका ये डाउट हमेशा के लिए। निया, निया का मतलब ऐसे अभी बताए दूंगा ना इसे, निया का मतलब हम बोलते हैं निया नहीं करते, हम नहीं करते हैं, निया का मतलब मना कर रहा है, ना कर रहा है हर चीज को, तो जिसमें ना करने वाली बात होगी, स्पेशली ए ए आ या अन लगा के हम इसको बताते हैं, जैसे अनपढ़, जो पढ़ने वाला न हो, आ लगा के हम, आ लगा या ए लगा के उल्टा बताते हैं, ए लगा के कुछ बताइएगा जैसे, ठीक है, ए का उल्टा जैसे क्या कर सकते हैं, है? अविकसित, जो विकसित ना हुआ हो, बिल्कुल सही है, अविकसित, ठीक है, अपवित्र, जो पवित्र ना हो, तो वो ये सब जो आएंगे ए और अन वाले, जो बिल्कुल ना का अर्थ दे दें, वो इसमें आते हैं बस, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। कई लोग अन और ऐसे अलग भी ले लेते हैं, बेकसूर, जिसका कसूर ना हो वो भी इसमें ले लेते हैं, तो बुरा नहीं है वो भी, हालांकि बेकसूर में आपका अव्ययभी भाव भी आ जाएगा, जहां पर भी उपसर्ग आता है वो अव्ययभी भाव समास होता है। अगर निया समास ऑप्शन नहीं है, मान लो अनपढ़ है, अपवित्र है, और निया समास ऑप्शन में नहीं आया, तो आप फिर अव्ययी भाव के साथ जाएंगे। क्यों? अव्ययी भाव यही कहता है जिसमें भी उपसर्ग लगा हो वो सब अव्ययी भाव समास होंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो पहले
आप देखेंगे इन समासों में मैंने लिख दिया कि एक प्रधान शब्द होता है, एक अप्रधान शब्द होता है। जो अप्रधान शब्द होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे पूर्व पद प्रधान याद रख लो, अप्रधान को अप्रधान तो बोलूंगा नहीं, उसका भी एक नाम है। सो रहे हो या आंख ऐसे कर रखी है, ऐसे ही सिकली ऐसी है, ठीक। गौण, तो इसको हम बोलेंगे गौण। उत्तर पद को गौण बोलते हैं, और ये क्या होता है प्रधान। प्रधान से जो दूसरा शब्द बचता है उसको गौण बोलते हैं, गौण शब्द, ठीक है, याद रहेगी बात। तो गौण शब्द भी समास से ही संबंधित है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास में गौण पद कौन सा होता है, अब बच्चे कंफ्यूज, उन्होंने तो पढ़ रखा उत्तर पद प्रधान होता है, अब गौण शब्द कैसे लगाएंगे वो। अरे भाई उत्तर पद प्रधान हो गया, दूसरा पद बचा वो बचा पूर्व पद, पूर्व पद गौण हो जाएगा, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो प्रधान एक शब्द होगा तो दूसरा पद गौण होगा। गौण मतलब चुप, चुप चाप, प्रधान तो ज्यादा बोले है ना गांव का वही, और गौण चुप रहे तो वही बात है, बिल्कुल। गौण का मतलब चुप, ठीक, ये चुप रहता है ये पद। अब इसमें हम बनाने लगे अव्ययी भाव समास में, तो एक तो मैंने बता दिया एक पहचान इसकी, जहां भी उपसर्ग लगे वो सब अव्ययी भाव में आएगा। कैसे, जैसे आपने यण संधि के जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, अध्यक्ष वो किस में आएगा, अव्ययी भाव में ही आएगा, क्योंकि इसमें क्या उपसर्ग है, अधि प्लस अक्ष, उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा। उपसर्ग होता है जो पहले जुड़े शब्द के, ठीक है, जो पहले जुड़े अधि अक्ष। अब आपको वही कहने लगे सुपुत्र, सुपुत्र में भी तो सु उपसर्ग है जी, तो क्या सुपुत्र में भी अव्ययी भाव हो जाएगा, बिल्कुल आंख मीच के लगा दो। हालांकि सुपुत्र में हम और भी पढ़ेंगे, पुत्र की विशेषता जो बताएगा वो शब्द, वो हम कर्मधारय में भी पढ़ते हैं, ठीक है, पर सुपुत्र को तो चलो नहीं मिलेंगे, पर सुपुत्र भी आपका अव्ययी भाव में काम कर जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अध्यक्ष हो गया, और देखिए अत्यधिक, अत्यधिक भी इत्यादि, अत्यधिक ये बीसी में ही आ जाएगा, ठीक है। और एक तो पहचान होगी उपसर्ग, एक होता है कि दो एक से शब्द कहीं भी आ जाएं, दिनों दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, आप नोट कर लेना, मैं नोट नहीं कर रहा, दिनों दिन, हाथों हाथ, वीडियो वाले तो नोट कर ही सकते हैं, ठीक है, तो वो शब्द कौन से होंगे, यही शब्द होंगे, दिनों दिन, दिन रात नहीं बोला मैंने, दिनों दिन, दिन का ही रिपीट है, दिन दिन, ठीक है। और ऐसे ही प्रतिदिन, ये बीस में ही आ जाएगा क्योंकि उपसर्ग है, हर दिन, हर एक, ये सब क्या आएंगे, ये सब यही है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बुक से मैं देखूं तो प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आमरण हो गया, अनुरूप हो गया, यथाक्रम हो गया, भरपेट हो गया, क्लियर है सारे। अब आप कहो कि इसमें उत्तर पद, ये पूर्व पद क्या प्रधानता है, तो देखिए इसमें पूर्व पद ही प्रधान है। जैसे अत्यधिक, अब जैसे अधिक है, अधिक तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कितना अधिक है वो बताया, इस अति है वो, अति अधिक, तो इसने इस पर प्रधानता कर दी, ठीक है। तो जो उपसर्ग लगता है वो अर्थ ही पलट देता है उसका, मान लो अनपढ़ है, मैंने बताया या तो आपको मिल जाएगा इसमें निया समास, अगर निया ना मिले तो फिर आप अव्ययी भाव क्यों लगाओगे, इसलिए लगाओगे एक तो पढ़ने वाला था, और अन्य लगा के पूरा ही अर्थ पलट दिया इसका, तो भाई प्रधानता तो अन्य कर दी, वो तो बेचारा शब्द आया था उसने पूरा ही उल्टा कर दिया। एक पुत्र है और कह दिया कुपुत्र, बेचारा पुत्री बेकार बर्बाद कर दिया इसने, किसने, इसकू ने, तो मतलब अव्ययी भाव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अव्ययी भाव कहाँ लगाएंगे, यथाशक्ति पूरी शक्ति से, शक्ति की पूरी बता दी कैसी, यथाशक्ति पूरी शक्ति से, ठीक। तो अव्ययी भाव क्लियर है मेरे ख्याल से, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पे लजते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें इसको बांट के बताया है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास की बात मैं लास्ट में करूँगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये छह प्रकार का है, वरना इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले छोटे छोटे समासों को ले लेते हैं हम। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान, देखो कितने में आया उत्तर पद, इसमें पूर्व पद प्रधान मात्र एक ही समास ऐसा है जहां पर पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे भी पूछा गया है क्वेश्चन
कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है? मात्र एक ही है, अव्ययी भाव, और किसी में नहीं होता। ठीक है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष एक, कर्मधारय दो, और देखिए पूर्व उत्तर पद प्रधान द्विगु, द्विगु में तो पूर्व पद संख्यावाचक ये प्रधान होता है, नहीं होता। पूर्व पद प्रधान इसमें भी होता है द्वंद्व में, लेकिन इसमें दोनों ही प्रधान होता है। ठीक है, इसलिए पूर्व भी आएगा, उसमें उत्तर पद भी प्रधान आएगा। ठीक, क्योंकि देखो अब आपको लग रहा है इसमें आप प्रधान छांट पाओगे, माता पिता छांट पाओगे, प्रधान कौन है? चलो इसमें छांट भी लो जी, पिता ही प्रधान रहे, मम्मी की, और मम्मी की भी चले कहीं कहीं तो मैं पता होगी, तो दिन रात इसमें नहीं छांट सकते, फिर दिक्कत ही है। ठीक है, इनमें प्रधान छांट ही नहीं सकते, कौन से की ज्यादा चल रही है नहीं बता सकते। ठीक, तो भाई इसके लिए बोल देते हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही है, अर्थात दोनों ही अपनी जगह प्रधान है, इसलिए इनको दोनों, तो दोनों प्रधान द्वंद्व समास, तो ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर, चलिए बताऊंगा उस पर और भी आऊंगा डिटेल में। कर्मधारय समास, बोल ज्यादा रहा हूं लिख कम रहा हूं, ठीक है, लिखना है तो जो बोल रहा हूं वो लिखते रहिएगा, और नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ ये सुन के, कभी मन करे लीड लगा के सुन लिया करो, ऐसी चीजों को काम आती हैं। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान कर्मधारय में होगा, हाँ ये बिल्कुल होगा। और इसमें एक और बात होती है, इसमें दो चीज आते हैं, एक विशेष्य और दूसरा विशेषण। विशेषण और विशेष्य क्या है ये बात मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं, क्योंकि विशेषण में पढ़ाएंगे बात। विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हों, और विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती हो। मैं कुपुत्र सुपुत्र को इसमें लेने की बात क्यों कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था जैसे मैं सुपुत्र लिख दूं, सुपुत्र तो भाई पुत्र की विशेषता बताई इस सु ने, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष्य, तो पुत्र हो गया विशेष्य, और जिसने बताई है सु, सु माने बढ़िया, तो विशेषण, जिसने बताई है वो विशेषण। ठीक है, पर सु कोई अच्छा विशेषण नहीं है, सु कोई अच्छा विशेषण नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं इसमें कर्मधारय में, इसलिए अव्ययी भाव ज्यादा सही है। ठीक है, सु और कु अच्छे विशेषण नहीं, वो उपसर्गी, ठीक है, उपसर्ग वाले सब अव्ययी भाव में। क्लियर है बात, और बताइए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए बता देते हैं। अब मिटा देता हूं इसको, कर्मधारय समास के मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कर्मधारय के, और उसमें कौन कौन से होंगे, जैसे मैं बोलने लगूं नील कमल, नील कमल, कमल जो नीला हो, तो कमल की विशेषता बताई, तो कमल क्या हो गया विशेष्य, और ये क्या हो गया विशेषण, और प्रधान कौन सा शब्द है, अरे भाई प्रधान तो कमल है, मेन शब्द तो कमल है, वो तो रंग आया बस नीला है, कोई कल को लाल कमल भी कह सके। ठीक है, तो इस तरह से तो इसने बताया। और देखिए नीलकंठ, क्या नीलकंठ को भी ले सकते हैं इसमें, क्यों नहीं ले सकते, कंठ माने गला, कैसा नीला, तो कंठ मुख्य शब्द हो गया, प्रधान हो गया, और नील ने, नील आपका इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए तो ऐसे और भी बता सकते हो क्या कर्मधारय में, बोलो क्या, हाँ होएगा बहुबरी भी, उसे भी बताएंगे, वहां भी आएंगे, बहुबरी भी है बिल्कुल, हाँ बोलो, महासागर, महाबली, बहुत बढ़िया, महाबली, क्या महाबली भी आ जाएगा, हाँ महावीर क्यों नहीं आएगा, बल की विशेषता बता रहा, कितना बल, महान, महान बली है, सागर की विशेषता बता रहा, कितना महान, महान सागर, तो सागर भी महान बना दिया, तो ये सब क्या होंगे कर्मधारय। क्लियर है, और मुख्य शब्द क्या है, प्रधान शब्द है ये, कि भाई वो कितना महान, ये तो विशेषता बता रहे हैं सिर्फ। क्लियर है कर्मधारय का भी, पहचान लोगे कोई भी कर्मधारय। ठीक है, और भी एग्जाम्पल अगर मैं ढूंढूं तो कर्मधारय में एग्जाम्पल और भी दे देता हूं आपको, नील गाय, बिल्कुल, परमानंद, परम आनंद, परम आनंद, ठीक है, महात्मा, बते रहे,
पीतांबर इसमें भी आ जाएगा, अंबर जिसके पीले हो पीतांबर, तो पीत अंबर वाला, अंबर माले आपको पता ही है कपड़ा वकड़ा होता है जो भी कुछ है, ठीक है, और पीत माने पीला, पीला कपड़ा। अगला समास पे आता हूँ, द्विगु समास, ये बड़े छोटे छोटे हैं, समास की पहचान ही है बस, पहचान कर ली समझ लो काम हो गया। द्विगु समास, द्विगु क्या है, पहला पद, यही बता रहा पूरी परिभाषा, पहला पद संख्यावाचक, उत्तर पद प्रधान, तो जहां पर भी संख्या आएगी बड़ा आसान एग्जाम्पल मिल जाते हैं, नवग्रह, नवग्रह त्रिभुज, त्रिभुज चौराहा, चौराहा तिरंगा, तिरंगा, देखिए सब में आ रहा है, नवरात्र, बिल्कुल नवरात्र, सप्तऋषि, बहुत बढ़िया, तो मतलब एकदम दिख जाएगा, एकदम दिख जाएगा कि संख्या आ रही है, नौ तीन चार, चतुष्फलक, चार फलक हो जिसमें, ऐसे भी आ जाएगा, है ना, एक होता है पक्ष दिन, मतलब ऐसा कुछ पक्ष लगा के भी दे देता है, मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट क्या है, पक्ष लगा के दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्यों, पक्ष तो हम वही समझते हैं फेवर, फेवर वाला पक्ष, इस पक्ष का मतलब होता है पंद्रह, ये आपको पता होना चाहिए, पंद्रह तो संख्या ही है, ठीक है, तो पक्ष जैसे पाक्षिक 15 दिन, साप्ताहिक 7 दिन, पाक्षिक 15 दिन, मासिक 30 दिन, वही है पाक्षिक 15 दिन, ठीक है, तो पाक्षिक 15 होता है, ये भी आ जाता है, यही और यही कंफ्यूज करता है बच्चों को। सप्त गिनती आ रही है, और जो दूसरा शब्द है दिख रहा है आपको, दूसरा शब्द क्या है, प्रधान दिख रहा है अपने आप ही, दूसरा पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, साफ लग रहा है, आगे की तो बस संख्या है। द्वंद मैं दे चुका हूं एग्जाम्पल, दो शब्द जो योजक चिन्ह लगता हो, ठीक है, या दो शब्द जो एक साथ हम ज्यादातर बोलते, भाई बहन, जीजा साला, हैं, हाँ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष भी कह सकते हो उसमें, है ना, चलिए, पर पक्ष पहले आना चाहिए तब मनेगा, शुक्ल पक्ष पहले नहीं आ रहा है, ठीक है, पक्ष पहले ही आना चाहिए, गिनती पहले आएगी। चलो दूसरी बात, अब जो मैं इस पे आ चुका हूं द्वंद पर, माता पिता, माता और पिता ज्यादातर और लगा के ही बना देते हैं इनको, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, और आकाश पाताल, बिल्कुल दिन रात, बिल्कुल, ठीक है, और भी बोलो कोई एग्जाम्पल, है देवासुर, बहुत बढ़िया, ये अच्छा एग्जाम्पल आया है देवासुर, देखिए सुर असुर तो बोलते हैं वो तो है ही, देव और असुर दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, तो वो भी इसमें ही आएगा, दो विपरीत शब्द होते हैं और दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए ही दोनों प्रधान होते हैं, ठीक है, क्लियर है, रटना कुछ नहीं है, सब कुछ रट रहा अपने आप होएगा, तो कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें तो द्विगु, द्वि अपने आप ही गिनती आ रही है, द्वि, इससे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं गिनती कौन से में है, तो द्वि इसमें, इसमें द्वि नहीं है, इसमें हमारा द्वंद, तो द्वंद युद्ध महाभारत में चलता था, अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद युद्ध चला, तो यहाँ युद्ध ही चलता है, दो शब्द बराबर टक्कर के हैं, बराबर हैं, दोनों ही प्रधान हैं, तो कौन सी नाक नीची अपनी तो कोई मानेगा नहीं, दोनों में युद्ध चलता है, तो वही जो दो बराबर टक्कर के शब्द हों वो द्वंद समास होगा, क्लियर हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब आ जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास ज्यादातर भगवान का नाम इसमें आपको मिलेगा और दो शब्द मिलेंगे, अब तक आपने देखा था देव और असुर, देवासुर एक शब्द था, वो किसी तीसरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, देव और असुर बस यहीं तक बात खत्म हो गई, ठीक है, आपने देखा था और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे मैं आपको बताऊं और भी, अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब बस अध्यक्ष होता है, किसी विशेष आदमी की ओर इशारा नहीं कर रहा, ठीक है, और भी आपने जितने भी एग्जाम्पल अब तक देखे, माता पिता, किसी तीसरे की तरफ माता पिता पे ही जाएगा दिमाग सीधा, लेकिन यहां पर दो शब्दों को जैसे ही एक साथ मिला के पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा नहीं ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा, ये दो शब्द का मतलब कुछ और है, लेकिन ये तीसरे आदमी को कहना चाह रहा, ठीक है। अब देखो कैसे एग्जाम्पल कैसे देंगे, जैसे कहते हैं ना भाई लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि तू कह तो मुझके मेरे लिए ही कह रहा, इनडायरेक्ट वे में कह रहा, पर यार
एक आदमी मान लो आपके सामने बैठा काना, ठीक है भाई, एक आंख वाले ने मैं सबन ने भुगतूंगा कोई कहने लगे, तो भाई तू मेरे लिए ही कह रहा इनडायरेक्ट वे में, पर एक आंख वाले का मतलब अपने आप ही दिख गया काना इसके लिए कह रहा है जो सामने बैठा है, ठीक है, पर वहां तो स्पष्ट कह दिया उसने, यहाँ पे स्पष्टता नहीं आएगी इतनी, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर आपको ध्यान ही करना पड़ेगा किसका पर्यायवाची है, ठीक है। गजानन किसका है आपको पता ही करना पड़ेगा, गजानन का मतलब आपको मैं बता दूं, गजानन का पीताम्बर का मतलब आप देखो क्या है, पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या है, देखिए गजानन का मतलब है गज का आनन, आनन मतलब मुख, गज का आनन हो जिसका, गज हाथी का मुख हो जिसका, तो सीधी सी बात है इसका अर्थ तो निकल रहा है हाथी जैसा मुख, पर ये कह दी बात गणेश को इनडायरेक्ट वे में, अर्थात तीसरे आदमी की ओर इशारा होगा कि ये ही है वो, गणेश की तरफ इशारा हो गया। पीताम्बर पीले वस्त्र बहुत लोगों के हो सकते हैं, पीले वस्त्र हैं जिसके, पर ये बात कही जाती है हमेशा कृष्ण जी के लिए, तो कृष्ण अर्थात कृष्ण। नीलकंठ नीला कंठ है जिसका, हालांकि नीलकंठ नीला कंठ किसी का भी होली के दिन तो कई लोगों का हो, है ना, तो नीले कंठ वाले उस दिन तो कई मिल जाएंगे, पर स्पेशली नीलकंठ किसके लिए वर्ड बना है, किसका पर्यायवाची है, तो शिव जी का, भोलेनाथ का, तो आप इसमें शिव अर्थात शिव ऐसे जोड़ सकते हो। दस आनन जिसके दस आनन हो, दस सिर हो, दस आनन तो अर्थात क्या है किसके लिए है तो दस आनन किसका पर्यायवाची है यही सोच लेना है आपको, अर्थात रावण, तो ये रावण हो गया। क्लियर है बात, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब आपके सामने आ जाती है दो समस्या, वो क्या, अजी दशानन में हम द्विगु समास क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि संख्या यहां भी आ रही है, क्या हम नीलकंठ में ये क्यों नहीं कह सकते कर्मधारी, आपने बताया भी था एग्जाम्पल कंठ है जिसका नीला, तो मैं बोल रहा हूं आपको ये दोनों ही समास है, इसमें नीलकंठ में कर्मधारी है बहुबिरी, दशानन में द्विगु बहुबिरी, पर अब लगाएंगे कौन सा, पहली बात तो एक ही आएगा ऑप्शन में, अगर दोनों आ भी जाएं तो आपको हमेशा बहुबिरी टिक करना है, बात आई समझ में, अगर द्विगु के साथ बहुबिरी बने बहुबिरी लगाओ, अगर कर्मधारय के साथ बहुबिरी बने तो बहुबिरी ही लगाओ, तो आपको बहुबिरी ही बनाना है, याद रहेगी बात, ठीक है, तो बहुबिरी बिल्कुल सबसे ऊपर, चलिए ठीक, सबसे करेक्ट करना है बहुबिरी को, अगर ये दो दो के एग्जाम्पल मतलब बन रहे हो तो। अब बात बचती है सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष की, मेरे ख्याल से सारे समास आपको स्पष्ट रूप से हो गए होंगे क्लियर, और कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब मैं देखता हूं तत्पुरुष समास को तो तत्पुरुष समास के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कारकों के बारे में। देखिए हम पढ़ते हैं कर्ता ने, नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा तब भी आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, ध्यान करिए क्या क्या था, करण से, ये आठ होते हैं कारक, संप्रदान के लिए अपादान से, और से का मतलब होगा अलगाव, यहां होगा अलगाव, अपादान से और संबंध, संबंध का की के, का की के, रारी रे भी कह सको तुम्हारा मेरा, ये भी संबंध है, और अधिकरण में, ये कारक है, सारे कारक भी पढ़ाऊंगा पर अभी पढ़ाए नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ाए वैसे तो वीडियो मिल जाएगी, और संबोधन, हे हरे, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ओ आ, ये सब बात, ठीक है। तो ये आठ कारक हैं आपके, आठ कारकों में पहला छोड़ दो और अंत का छोड़ दो। अगर आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो छह प्रकार का होता है। कौन से छह प्रकार हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष याद हो गए छह, और एक निया तत्पुरुष अभी बताया था,
वो छह से अलग है, छह में इनमें से कोई सा पार्ट हो अलग है, मतलब वो सौतेला भाई है, सौतेला बेटा तत्पुरुष, वो इनमें नहीं है। अगर तत्पुरुष पूछा जाए कितने प्रकार का, तो आप छह ही लगाओगे, वो सौतेला उसको पुत्र मत गिनो, ठीक है। चलिए, तो अगर देखा जाए इन समासों को देखा जाएगा तो छह प्रकार के होंगे। अब छांटने की बात आती है कि छांटे कैसे, जिनमें देखिए समास विग्रह करके देखना पड़ेगा, तत्पुरुष अगर पहचानना है तो समास विग्रह करके देखना पड़ेगा। वो कैसे, अब देखिए जैसे मैंने लिखा था गगनचुंबी, और इसमें आपने पढ़ा गगन को चूमने वाला, छक्का मारते ना गगनचुंबी छक्का, गगन को चूमने वाला, इसका अर्थ होगा गगन को चूमने वाला। इनमें से कौन सी विभक्ति प्रयोग में आई है, को आई है, से आई है, विग्रह करते टाइम के लिए आई है, से आई है, क्या आया, आप कहोगे को आई है, और को विभक्ति आई है, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष इसमें होगा। तो गगनचुंबी में कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। तो भाई तत्पुरुष छांटने के लिए आपको समास विग्रह आना चाहिए, तो तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष इसमें समास होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं चिड़ी मार, चिड़ी मार में कौन सा समास होगा, तो समास विग्रह करो इसका, चिड़िया को मारने वाला, को आ गया। फिर आप क्यों ऐसा ना लिख दे के लिए, चिड़िया के लिए मारने वाला, ये लग रहा है इसका अर्थ, खुद सोच के देखो ना, चिड़ी मार कौन होता है जो चिड़िया को मारता हो, तो कोवर्ड आया, कोवर्ड आया तो इसमें भी कौन सा तत्पुरुष हुआ, कर्म तत्पुरुष। और भी दे सको एक आध एग्जाम्पल कर्म तत्पुरुष का, बताओ किसी को ध्यान आ रहा हो तो, नहीं आ रहा, जिसको आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा, क्या रथ चालक, बहुत बढ़िया, रथ चालक, जेब चालक मतलब कतरा, हाँ हाँ वो जेब ही चलावे और क्या करे, जेब कतरा, रथ को चलाने वाला को आ गया, जेब को काटने वाला कतरने वाला को आ गया, बिल्कुल। अब को वाले तो एकदम पहचान लोगे, कर्म तत्पुरुष एकदम पहचान हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, देखिए आपको बताने की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, आप विभक्ति एकदम देख लोगे और आप बता दोगे ये कौन सा। अब मैं आपसे जस्ट ऐसे ही पूछता हूं, राजपुत्र कौन सा समास है इसमें, इसका तोड़ो, राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र, और का किसमें आएगा, काकी के, अरे वैसे ही दिख रहा है राजा का पुत्र, पुत्र का संबंध है तो ये तो वैसे ही दिख जाएगा, संबंध तत्पुरुष में जाएगा ही जाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं अब कर मुक्त, अब मुझे आप बताओगे दिमाग लगा के, कर से मुक्त होने वाला, अब कर से अलग हो गया, अलगाव हो गया अपा। अब मैं आपसे बोलूं रोग युक्त, रोग युक्त बताओ, रोग युक्त, रोग मुक्त नहीं है, रोग युक्त, रोगी को बोलेंगे रोग युक्त, रोग से लदने वाला, रोग होने वाला, रोग से युक्त, रोग से युक्त जिसके रोग लगा हुआ हो, करण अलग नहीं हुआ, लेकिन रोग मुक्त कह दूं, रोग मुक्त कह दूं तो अपादान है, रोग मुक्त कौन से में आएगा, अपादान में। बड़ी सिंपल सी बात है कि नहीं है, एकदम पहचान रहे हो कि नहीं। अब के लिए का भी एक आध एग्जाम्पल दे दूं, बता सको, अरे बहुत बढ़िया विद्यालय, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिलेगा, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का घर, विद्या का आलय मत पढ़ना इसको, बहुत बच्चे पढ़ जाते हैं विद्या का आलय, ऐसा भी पढ़ सको फिर संबंध लगा दोगे, विद्या के लिए आलय है ये, उसके लिए बनाया गया है। और देखिए और क्या बना सकते हो, बताओ बताओ, अनाथालय, अनाथों के लिए आलय, कुछ अच्छा सा दे दो और, अनाथालय नारायण, कोई बात नहीं भते रहे हैं, गौशाला गौ के लिए, अरे वाह क्या बढ़िया एग्जाम्पल है, देशभक्ति, बताओ क्या लगा सको आप, यही लगेगा, कुछ बता ही नहीं सकते इसके अलावा, देश के लिए भक्ति,
देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, क्लियर है ना। अब चलो और देखते हैं अधिकरण का एक आध एग्जाम्पल देख के देख लो क्या है। मैं कहां पे आता है, मैं कहां पे आता है बताएं भाई। देखो आप बीती, मैं या पर दोनों आते हैं इसमें, आप पर बीती बहुत बढ़िया, मैं या पर दोनों आएंगे। आप बीती, आप पर बीती हुई बात, आप पर खुद पर बीती हुई उसको बोलेंगे आप बीती, ठीक है। तो पर आ गया, और बताओ। शोक मग्न, बहुत बढ़िया, शोक मग्न, शोक मग्न, शोक में मग्न, बिल्कुल शोक मग्न। और बताओ कुछ है, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया, मुनि, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ का मतलब है मुनियों में श्रेष्ठ। और मैं आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष, क्लियर है अधिकरण भी। तो भाई आपको ये रटने पड़ेंगे, के लिए कर्ता ने, कैसे रटेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे ही रटना पड़ेगा, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर इस तरह से, कारक में भी ऐसे ही रटवाऊंगा, कारक में भी फायदा हो गया समझो आप, ठीक। चलिए तो भाई ये तो हुआ पूरा समास का दी एंड। और ये भी बता दो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, बताओ, उत्तर या पूर्व। और गौण पद, पूर्व पद गौण हो जाएगा जब उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, तो बाद का पद ही प्रधान होगा। क्लियर हो गई बात, पूरा समास क्लियर है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस देखने हैं तो भाई मैं वीडियो दूंगा 10-10 क्वेश्चन की, 4-5 दिन लगातार चलेंगी, समास आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना।